हेलो एवरीवन, आज मेरा प्री ब्राइडल शूट है। पहले तो ये बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ। इसके तुरंत बाद मेरी मेहंदी है और यही है मेरा मेहंदी का लुक। तो गाइज, मैं अभी आई हूँ अपना छोटा सा शूट करने के लिए। यहाँ पे ये है हमारे कैमरामैन एंड वीडियोग्राफर्स। अच्छे वीडियोग्राफर्स है गाइज, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आज ये लोग जल्दी आ गए क्योंकि मेरा काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। एक दिन पहले मैंने इन लोगों को बुला लिया है, तो अभी मैं शूट कर रही हूँ, कुछ क्लिप्स आपको दिखाती हूँ। अब इतने हैवी गाउन में कैसे घूमू यार, गिर न जाऊं, कल मेरी शादी है। घूमर 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 घूमर, इन लोगों की अलग ही खिचड़ी पकड़ी है। कोई किसी की फोटो क्लिक कर रहा है, कोई किसी की फोटो क्लिक कर रहा है, कोई सेल्फी क्लिक कर रहा है, कोई किसी के ऊपर पत्ते डाल रहा है, कोई लड़ रहा है, कोई झगड़ रहा है। लगता है इनसे ये एक्साइटमेंट बर्दाश्त नहीं हो पा रही है कि दीदी की शादी है। अब देखो ये गिटार एक दूसरे के सर पे फोड़ने को तैयार है। 1000 में मेरी बहनाई वाला गाना तो नहीं गाएंगे, बट अभी इनसे काम जरूर करवाऊंगी। मैं रील्स बनवाऊंगी, देखती हूँ ये लोग कर पाते हैं या नहीं। अब होगा सबसे पहले हमारा फोटोशूट। जो पवन भैया है ना हमारे कैमरामैन, वो बहुत ही जबरदस्त हैं। वो ये भी नहीं देख रहे कि इसने गाउन पहन रखा है, बट उनके जो फोटोशूट्स एंड क्लिप्स है ना वीडियोस के, कसम से यार मैं क्या बताऊं। अभी आने वाले व्लॉग्स में आप खुद देखोगे। अब देखो इतने हैवी गाउन के साथ मुझे भागना है, और मेरा भाई कह रहा है यार मुझे तो इसकी टेंशन हो रही है कहीं ये गिर ना जाए। सीढ़ी साफ करते हुए वहाँ पे काटा था और मेरे हाथ में काटा चुभ गया। खून निकल रहा है यार। वैसे आज ही एक दिन है जब मैं अपने भाई बहनों के साथ इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकती हूँ। इसके बाद तो मैं बस किसी और के घर की हो जाऊँगी। किसी और नहीं, मेरे प्यारे सोनू के घर की। बट यार अपने भाई बहनों की तो याद आएगी ना, इनके साथ एक रील बना लेती हूँ ताकि हमेशा के लिए मेमोरीज में रहे। ऊँची जी बोलो तो क्या कह के उनको बुलाओगी, दुल्हा बन के जो आएंगे। ऑब्वियसली क्या बुलाऊंगी आप बताओ। मैं तो सोच रही हूँ कि सुनो जी या भज्जी ऐसे बुलाऊंगी, आप बताओ मैं क्या बुलाऊंगी। तो ये लोग अपनी रील्स बना रहे हैं अलग से, सही है, चलो अपना अपना एंटरटेनमेंट करना जरूरी है ना। और यहाँ लोहाघाट की ठंड यार, बाप रे, जैसे जैसे शाम बढ़ रही है ना वैसे वैसे ठंड बढ़ रही है। ठंड बढ़ रही है तो बस बॉडी एकदम साथ छोड़ देती है, बोलती है कि नहीं यार अब नहीं सहा जा रहा। तो हम लोग आ गए हैं बैचलर्स पार्टी करने के लिए, ये सब हम लोग खाएंगे और हमारी पार्टी हो रही है। तो गाइस अभी हम लोग कर रहे हैं अपना फोटोशूट। अभी मेरी बहन का फोटोशूट हो रहा है वहाँ पे। ये है, इसको बहुत गर्मी हो रही है। सुनो थोड़ा गर्मी हमें भी दे 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 दे। मुझे बहुत ठंडा हो रहा है। और इसको तो उससे भी ज्यादा ठंडा हो रहा है, ये फिर भी ऐसी सीट में बैठी होती। देखो गाइस इसमें ओस गिरी हुई है। ये वाली ठंड एंजॉय कर रही है। और गाइस हम लोग अपनी अपनी बैचलर पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। और ये वो ठंड हो रही है ना, तो दो वर्ड्स एक बार निकल रहे हैं। तो गाइस अभी हम लोग अपनी बैचलर पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ पे इतनी हंसी आ रही है और साथ में ठंड भी बहुत लग रही है, डर लग रहा है कहीं बीमार ना पड़ जाए। तो मेरे सारे क्यूट क्यूट फ्रेंड्स आ रखे हैं, बहुत सुंदर से लग रहे हैं सबके सब। तो हम लोगों ने बहुत प्यारी प्यारी फोटोज क्लिक करी हैं जो आपने देखी ली होंगी, बाकी मैं आपको दिखाऊंगी अपने इंस्टाग्राम में। तो गाइस अभी मैं करवा रही हूँ अपना मेकअप, और मुझे कॉल पे कॉल आ रहे, पता नहीं क्यों आ रहे लोगों के। अभी मेरे हेयर स्टाइलिंग हो रही है, और आपको मेरा मेकअप कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना मैं कैसे दिख रही हूँ। आज तो मैं पूरी दुल्हन बनने वाली हूँ गाइस। तो मैंने आपको, हाँ, ज्वेलरी मम्मी लेकर आएगी। मैंने मम्मी को बोला ज्वेलरी, मम्मी ज्वेलरी ला दो यार। ये बहुत ज्यादा मुश्किल काम है कान में कुंडल फंसाना, और ये फंसाने वाला जो होल होता है ना, जो वो कील होती है, बहुत मोटी होती है यार, ब्लड भी निकल जाता है ईयर से। और मेरा भी सेम यही हुआ था, बहुत ज्यादा ब्लड निकला था अभी भी, और अभी थोड़ी देर बाद और निकला है, वो आप देखोगे आगे आगे। पर क्या करें, पहनने तो बहुत जरूरी होते हैं ना। अब घर वालों का डांस देखो, उसमें मेरे दादाजी, चाचा जी, पापा, मम्मी, चाची सब लोग डांस कर रहे हैं। दादाजी ने तो सिस्टम ही हैंग कर दिया है गाइस। कैसे लग रहे दादाजी यार, कल बहुत लोगों के कॉमेंट्स आए थे कि दादाजी बहुत क्यूट है, मुझे भी बहुत। बहुत भूख लगी है सुबह से और मैं अब खाने आई हूँ। वैसे मैं कैसी लग रही हूँ, लास्ट पे अभी टिक्की चाउमीन पकौड़े थी, तो मैंने सिर्फ टिक्की खाई, उसके बाद मैं तुरंत गई रूम पे और मैंने गैस से अपने हाथ गरम करे। जैसे ही मेरी मेहंदी सूखी, मैंने अपने फ्रेंड अंकू की मेहंदी लगाई, और नेक्स्ट डे हम आ गए हैं हल्दी में। अब हम सब मिलकर गएंगे गाँव मेरे साथ। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे। सुनो भैया क्या बोल रहे दोनों, आप लगाओ एक दूसरे को।
आप मैं अभी तो नंबर आएगा इनका जल्दी, दोनों हाथों में एक दूसरे के बाल जल्दी हो जाएगा और यस दी यहाँ सामने जल्दी भैया ये बोल रहे हैं कि इन दोनों को भी हल्दी लगा दो क्योंकि ये अनमैरिड है तो ताकि इनकी जल्दी शादी हो जाए, ये शगुन की हल्दी है। तो मैंने ये सोच के ये हल्दी सबको लगा दी, अपने भाइयों को बहनों को, मैंने कहा यार तुम भी जल्दी जल्दी करो शादी और बस आ जाओ मेरी वाली लाइन में। मेरे दादा तो सोच रहे होंगे ना 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 ये मेरे को ना लगा दे बस ताकि मेरे को भी शादी ना करनी पड़े, बस ना मेरे को तो नहीं लगाए। मेरा भाई कह रहा यार मैं तो अभी वैसे भी छोटा ही हूँ, मेरी शादी में तो 10 साल है। आपको फेशियल एक्सप्रेशंस देख के पता चल जाएगा लगभग सभी लोगों ने हल्दी लगा दी है। अब इसके बाद हम लोग कुछ फोटोशूट्स करेंगे। फोटोशूट्स के लिए मैंने यार बड़ी मुश्किल से वो जो कलर होते हैं ना रेनबो वाले वो मंगवा के रखे थे, बट वो किसी ने खो दिए। साथ में चुनरी भी थी शादी की, वो भी खो दी। एन वक्त पे ना कुछ नहीं मिलेगा मुझे यही पता है, बट कोई बात नहीं है, शादी ब्याह में सब होता है। कभी आप शादी करो ना तो पक्का इस चीज़ का ध्यान रखना कि कोई चीज़ कभी छूट न जाए या खो न जाए। सारे प्यारे दोस्तों के साथ मैंने फोटोज क्लिक कर ली। एक तरफ तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि वाह मेरी आज हल्दी है, एक तरफ दुख भी हो रहा है यार कि ये दिन अब एक ही बार आता है यार लाइफ में। अम्मा लोगों ने बहुत अच्छा गाना गाया है, सुनो। आप लोग पहले तो हैंड दिखाइए सब ऐसे करके, ओके जो फूटेंगे तो फूटिंग करेंगे बोलेंगे। हाँ चलो 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 डाउन 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 सब गायब हो गए। गड़बड़ होने से इनकी वेस्टेज होने से तो मैंने कहा लाओ मेरे हाथ में दे दो मैं ही संभालती हूँ पूरा मोर्चा। ले पूरा धुआं मुंह में, कोई बात नहीं यार फोटोग्राफर भैया अच्छी फोटो आई होगी इसी उम्मीद में, मैं कोई बात नहीं सब इग्नोर कर रही हूँ। तो अभी मेरी हल्दी हो गई है और इसके बाद अब सीधे शादी ही है। तो आपने देखा होगा मेरे हल्दी का जो भी कार्यक्रम जो भी मैंने हल्दी में किया आपने देखा होगा, काफ़ी सारे लोग आए थे, बहुत सारे अच्छे अच्छे फोटोशूट्स हुए हैं। और गैस मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, अब मुझे डर लग रहा है कि मैं रात भर जग भी पाऊँगी कि नहीं, बिकॉज मैं कब से 10 दिन से अच्छे से सोई भी नहीं हूँ। तो अभी मैंने मॉन्स्टर ड्रिंक पी है जो एनर्जी ड्रिंक होती है, अब देखते हैं क्या होता है। फिलहाल मैं फोटोशूट के लिए आई हूँ, मेरी फोटोशूट्स देखो। तीन कलर है तो दोस्तों अभी मेरी हल्दी की शुरुआत होने ही वाली है, फिलहाल हम गणेश पूजा कर रहे हैं। तो देखो संदीप कितने क्यूट लग रहे हैं बैठे हुए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम कुंडलिकाक्षाय मंगलाय तनो हरि ओम नमः शिवाय। जय श्री गणेश भगवान, हमारी शादी अच्छे से हो जाए प्रभु। तब तो बच्चा है नहीं, अब तो बड़ा हो गया। फोटोशूट के बहाने इन्होंने मुझे पूरा बिगाड़ दिया, इन सालों से तो मैं बदलाव एक दिन जरूर लूंगा। और ये रहा मेरी गंगू बुआ का डांस जो कि वर्ल्ड में सबसे बेस्ट डांसर है। और उसके बाद हम सभी भाइयों ने डांस किया और अब हो रही है मेरी मेहंदी मेरी प्यारी सजनिया के नाम की, चमेली के नाम की। सभी लोग काफी खुश लग रहे हैं, सबके चेहरों में स्माइल है। और देखो वीडियोग्राफर भैया अपनी वीडियोस बना ही रहे हैं। अभी तो फिलहाल शायद सब लोग खाने का वेट कर रहे हैं, भूख लग गई है सबको, है ना। और ये देखो शुभी बहुत प्यारी मेहंदी लगाती है। अब हमारी शादी बस प्रारंभ होने ही वाली है और मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाती हूँ अपने बैंकेट हॉल की डेकोरेशन की। वैसे ये क्लिप्स मेरे पास सिनेमेटिक या फिर लैंडस्केप मोड में नहीं है, तो गाइज मैं अभी फिर से अपलोड करूंगी। फिलहाल मैं आपको कुछ छोटा मोटा क्लिप दिखाना चाह रही हूँ। बहुत प्यारा डेकोरेशन किया हरिप्रिया बैंकेट हॉल वालों ने, आप खुद देख सकते हो बहुत प्यारा लग रहा है ना। मैं तो शादी में बिजी थी तो मैंने देखा नहीं, मैंने वीडियोस में ही देखा था। राजा की आई है बारात मेरे आंगन में,
यहाँ पे संदीप की बुआ मम्मी सब लोग हैं और ये सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। और ये मेरी प्यारी सासू माँ जी हैं। अभी तो बारात आने में टाइम लगेगा, कल मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने मेकअप कहाँ से किया, कैसे किया और मैं कैसे लग रही थी। बस कल का वेट कर लो गाइस, कल पूरा व्लॉग आएगा शादी का। ये मेरी शादी की बारात वाली कार है, इसी में बैठ के मैं जाऊंगी संदीप के घर और ये मेरे सारे देवर लोग हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।